हेलो। तो बेटा एक बार फिर से मैं लाइव क्लास में आ चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कितने लोग जो है लाइव आ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूँ। चलिए मैं रिमाइंडर आपको एक बार फिर से ग्रुप में डाल देता हूँ। देखिए आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो देखिए ये हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। फर्स्ट लाइव क्लास में मैंने इस टॉपिक को रोक दिया था क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जो कवर करने में कम से कम आधे से 1 घंटे लगने वाले हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आधे घंटे के अंदर इसको कवर करा दूंगा और आपको कंप्लीटली नोट डाउन भी करूंगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। आप हेडिंग डाल लें। मैं आपको लिंक जो है ग्रुप में शेयर कर रहा हूं और जो लोग भी अभी तक लाइव नहीं आए हैं वो लिंक पर क्लिक करें। देखिए इस तरीके से आपने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हेडिंग डाल लिया होगा। मैं उम्मीद करूं फिर मैं इस क्लास को आगे की तरफ बढ़ाएं। तो चलिए एक बार मैं थोड़ा सा इसमें अभी प्रॉपर सभी लोग जो है लाइव नहीं आ पाए हैं, मैं थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूँ। टोटल अभी 12 लोग लाइव से जुड़ चुके हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे लाइव जो है चैट चालू हो गया है। आप सभी लोग जो है अपना नाम लिख के आगे पी लिख दें या फिर प्रेजेंट लिख के शेयर करें। यहाँ पे मैं नाम पढ़ता रहूंगा और यहाँ पे लाइव क्लास चालू हो चुकी है। आर के राजा, इन्होंने लिखा हेलो सर गुड इवनिंग। अंजलि सिंह ने पी लिख के भेज दिया। इस्मा ने लिख के भेज दिया। सुरैबा खान ने लिख के भेज दिया। सुरैबा खान प्रेजेंट सर। तो सभी लोग अपना नाम लाइव चैट बॉक्स में टाइप करके आगे पी लिख के सेंड करें। फटाफट करें सभी लोग। तो राहुल ने भी मैसेज कर दिया, वेरी नाइस सर, आप खान सर जैसे लग रहे हैं, थैंक यू बेटा। तो फटाफट सभी लोग अपना नाम लिख के फटाफट सेंड करें। रविंदर प्रेजेंट आ चुके हैं, पलक आ चुके हैं, फरहान आ चुके हैं। सभी लोग अपना नाम टाइप करके फटाफट सेंड करें। मैं यहाँ से स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए सब आपका नाम जो है कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है। फटाफट नाम लिख के प्रेजेंट करें। मैं सबका नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, फटाफट लिखें। फरहान के बाद में अभी तक किसी ने प्रेजेंट और नहीं लिखा, तो सभी लोग जुड़ जाएं। तो टॉपिक को हम आगे शुरू करें। उरूस का भी हो गया प्रेजेंट, फैजान प्रेजेंट आ चुके हैं, सबा फातिमा प्रेजेंट आ चुके हैं। नेक्स्ट बाकी स्टूडेंट कहाँ पे हैं? थोड़ा फास्ट करें, 2 मिनट का और मैं समय दे रहा हूं, 1 मिनट का फटाफट करें। आर्यन भी आ चुके हैं, वेरी गुड। शिफा प्रेजेंट आ चुके हैं। करण कुमार, फटाफट आप अपना नाम टाइप करके सेंड करें। इससे लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं लाइव क्लास को लेके, वरना ये वीडियो
आज के बाद ये तुरंत डिलीट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि फर्स्ट लाइव की तरीके से मैं आपको नेक्स्ट टाइम ये वीडियो नहीं देने वाला हूँ। ये लाइव सेक्शन जैसे ही खत्म होगा इसकी वीडियो तत्काल डिलीट कर दी जाएगी। तो फटाफट जो लोग भी हैं इस तुरंत लाइव आ जाएं। पूजा निषाद आ चुकी, सुंबल आ चुकी है, मोहम्मद मुसाहिद खान आ चुके हैं, करण कुमार आ चुके हैं, अवेश आ चुके हैं, अमरेश निषाद आ चुके हैं। थैंक यू बेटा, फटाफट सभी लोग लाइव क्लास से जुड़ जाएं ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं, वरना मेरा अकेले लाइव करने का कोई मतलब नहीं है। उससे बेहतर होगा कि मैं अपना खुद का वीडियो। आ चुके हैं अमरेश निषाद आ चुके हैं। चलिए अब हम क्लास को आगे किस तरफ बढ़ाते हैं। फिलहाल इस पेज को हम कर दे रहे हैं कट। चलिए कट हो गया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये क्या होता है? सबसे पहले आप अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के पहले बता देता हूं। लिखा हुआ है यहां पे लिखा, जिन उपकरणों मतलब होता है डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर को डेटा व निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी उपकरण मतलब डिवाइस होता है, वही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इंट्रक्शन देते हैं। इंट्रक्शन मतलब निर्देश देते हैं। जैसे हम आपको कहें कि जाके ये काम कर दो, तो जब तक हम आपको कोई आदेश नहीं देते हैं तब तक आप वो काम नहीं करते। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले चैट में कहा कि सब लोग अपना नाम लिख के फटाक से आगे परसेंट लिख के सेंड करें, तो जब तक मैं आपको इंट्रक्शन नहीं देता तब तक आपने उसको आंसर नहीं देना था। तो सेम एज कंप्यूटर भी है, जब तक हम इनपुट करेंगे नहीं तब तक कंप्यूटर अपने आप खुद ब खुद आउटपुट आपको कुछ भी देने वाला नहीं है। तो इनपुट डिवाइस में जितनी भी डिवाइस, यानी कहने का मतलब है हम इनपुट कई तरीके से देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम माउस से क्लिक करके कोई आदेश दे देते हैं, कभी हम जो है कीबोर्ड से टाइप करके कोई आदेश देते हैं, टच स्क्रीन पर क्लिक करके कोई आदेश देते हैं। इस तरीके से आप लगातार जो है कंप्यूटर को किसी न किसी तरीके से इनपुट दे रहे हैं। जैसे माइक से आप बोल के इनपुट कर सकते हैं, टच स्क्रीन से टच करके इनपुट कर सकते हैं। ऐसे तरह तरह की 11 से 15 डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइस में, जिनके बारे में इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे। तो सबसे पहले आप जो है इसका डेफिनेशन इनपुट डिवाइस का पहले लिख लें, फिर मैं थोड़ा सा चीज आपको और समझाता हूं, फिर आगे की तरफ बढ़ता हूं। तो इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, डिवाइस दैट आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। एग्जाम्पल में बताया गया है जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ईटीसी। इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अभी मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं और लाइव उसका डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। तो आपने अगर इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन लिख लिया हो तो हम आगे की तरफ बढ़े, वरना आप इसका जो है स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लें। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आगे से बढ़ने से पहले फिर से आपको थोड़ा सा मैं ड्रैग करके बता देता हूं। यहां पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका ये सीपीयू है, इनपुट यानी इनपुट क्या होता है, जब तक हम कोई चीज कंप्यूटर को आदेश देते हैं उसी को बोलते हैं इन। और कंप्यूटर क्या होता है, ये सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, आपका प्रोसेस करने का काम करता है, प्रोसेस में प्रक्रिया करने का काम करता है, और बाद में कंप्यूटर हमें क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है किस पे, मॉनिटर पे। यहां पे क्या करता है, आउटपुट पहले इनपुट लेगा, आप उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आपको मॉनिटर पे दिखाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो है लोग जो गेहूं वगैरह लेके जाते हैं तो गेहूं को मशीन में डालते हैं, तो मशीन क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। ऐसे सीपीयू क्या, आपका प्रोसेस करने का काम करता है। तो गेहूं को मशीन में डालते हैं, मशीन क्या करती है, इसको पीसती है और रिजल्ट में आपको क्या देती है, आटा देती है, यानी पीस के उसको आटा बना देती है। तो आउटपुट में आपको कुछ और चाहिए होता है। ऐसे ही कंप्यूटर में अगर आपने यहां पे कोई डेटा दे दिया 50,
प्लस 50 और आपने कहा इसको ऐड करो, तो ये कहां जाएगा इनपुट के रूप में, चाहे आपने कीबोर्ड से टाइप करके दिया, बोल के टाइप किया हो, या फिर जो है माउस से क्लिक करके किया हो, किसी भी तरीके से इस इंटरेक्शन को कंप्यूटर में पहुंचाया, कंप्यूटर ने इसको क्या किया, सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया, इसने प्रक्रिया किया और आपको आउटपुट लाके स्क्रीन पे 100 आंसर दे दिया। इस तरीके से आपका काम हो गया। तो मैं समझ सकता हूं कि इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे पहले इनपुट डिवाइस कौन सा है। चलिए देखिए, अब सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे यहां पे टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, अपने कॉपी पे हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के प्रकार। मैंने बताया था कई डिवाइसेस होते हैं जिनके मदद से हम इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में आदेश देते हैं, कंप्यूटर को आदेश पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले डिवाइस की अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक बाय एडिटिंग से प्रॉब्लम आ गई है, कीबोर्ड आपको यहाँ पे सही लिखा होगा, तो इसको हेडिंग में आपने यहाँ पे सही कर लेना है। तो यहाँ पे लिखा है कीबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। यानी अगर हम कंप्यूटर से पूछे कि मेन पार्ट कौन से हैं इनपुट के जो सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के, तो आप हमेशा बताएंगे कीबोर्ड क्या है, सबसे मेन इनपुट डिवाइस है, जिनके मदद से 99% काम आप कीबोर्ड के मदद से कर सकते हैं और 1% काम आप माउस से इसलिए करते हैं ताकि हम आसानी से किसी छोटे छोटे से आइकन को सेलेक्ट कर सके, किसी विकल्प को चुन सके, इसलिए हम माउस का यूज करते हैं, या कोई ड्राइंग वगैरह बनाना है तो वहां पे भी माउस काफी ज्यादा यूजफुल होता है, वहां पे शॉर्टकट थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए करना। तो सबसे ज्यादा यानी मेन लिखा, हिंदी में भी लिखा हुआ यहाँ पे कीबोर्ड लिखा, कीबोर्ड सबसे महत्वपूर्ण उपकरण मतलब होता है डिवाइस है। इसका प्रयोग अल्फा न्यूमरिक डेटा, अक्षर और संख्याएं और चिन्ह मतलब सिंबल इनपुट करने के लिए किया जाता है। यानी कीबोर्ड का काम क्या है, अल्फा न्यूमरिक मतलब जैसे ABCD 1 2 3, ये सारे जो अल्फा न्यूमरिक अक्षर और नंबर, 1 2 3 में नंबर आ गया आपका, और सिंबल का मतलब जैसे एट द रेट का सिंबल हो गया, हैश का सिंबल हो गया, क्वेश्चन मार्क का सिंबल हो गया, ये सारे चीजें हम कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो फटाक से आप कीबोर्ड हेडिंग डाल के कीबोर्ड का डेफिनेशन लिखें। सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे कीबोर्ड, और कीबोर्ड हेडिंग डालने के बाद में आपको यह डेफिनेशन नोट करना है, लेकिन इसकी स्पेलिंग यहां पे सही कर लेंगे। ये जो कीबोर्ड लिखा है यहां पे आपको सिंपली KEYBOARD कीबोर्ड सही से लिख लेना है। क्लियर, कीबोर्ड हेडिंग डाल के ये डेफिनेशन नोट करिए। अगर आपने डेफिनेशन नोट कर लिया है और जो लोग नहीं नोट कर पाए वो स्क्रीनशॉट कर ले। तो चलिए कीबोर्ड के बारे में हम थोड़ा सा और समझते हैं। डेफिनेशन आपने लिखा, क्लियर हो गया, आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट TYPES टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। डिजिटल बोर्ड पे माउस जो है मार्कर प्रॉपर चल नहीं पा रहा है हमसे, तो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड हेडिंग डालेंगे और नंबर एक लिखेंगे सबसे पहले STANDARD स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड, और नंबर दो लिखेंगे मल्टीमीडिया कीबोर्ड, और तीसरा लिखेंगे वायरलेस कीबोर्ड WIRELESS वायरलेस कीबोर्ड। तीन तरीके के कीबोर्ड होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, और तीसरा होता है वायरलेस कीबोर्ड। हेडिंग डाल लिया आपने, तो चलिए पहले हम आपको तीनों कीबोर्ड को दिखा देते हैं।
देखिए आपके सामने यहाँ पे कीबोर्ड दिख रहा है। बेसिकली जो आप कीबोर्ड यूज करते हैं देखिए, नॉर्मली जो आप कीबोर्ड देखते हैं वो सिंपली इस तरीके कीबोर्ड होते हैं, लेकिन वायरलेस कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या होते हैं उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड हम समझ लेते हैं पहले कहाँ पे है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको टच कर ले रहा हूँ ड्रैग करके। ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं ये आपका, इसमें देखिए किसी भी तरीके की कोई वायर नहीं है, तो जिससे भी कीबोर्ड में वायर ना रहे वो क्या होता है, वायरलेस कीबोर्ड। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड का मतलब ये है कि जिस कीबोर्ड में यहाँ पे ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बटन दिए रहे उसी कीबोर्ड को मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहा जाता है। तो मैं अपने पेज पे आ जाता हूँ पहले। तो जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें कितने कीज होते हैं, 104 की, जहां पे आपने लिखा होगा वहां पे आप जो है इसको लिख लेंगे 104। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आप लिखेंगे 112 की। यानी मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, 112 बटन होते हैं। और वायरलेस कीबोर्ड आपका दोनों सेम एज हो सकता है बट खाली वायर नहीं रहता है, जिसमें वायर ना हो वो आपका वायरलेस कीबोर्ड है। तो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड हेडिंग डाल के आप ये तीनों चीज लिख ले, तीनों आप समझ गए होंगे कि तीनों कीबोर्ड में क्या डिफरेंसेस है। तो जो नॉर्मली कीबोर्ड आता है जिसको स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोलते हैं उसमें 104 बटन होते हैं, जिसमें 104 बटन से अधिक हो, 112 बटन हो या 116 किसी किसी में होते हैं, लेकिन ज्यादातर 112 बटन ही होते हैं, वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। वायरलेस बटन, वायरलेस कीबोर्ड में जिसमें वायर ना हो। चलिए अगली हेडिंग हमारी है माउस। आप हेडिंग डाल लें माउस। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, लिखा जिसे स्क्रीन पर प्रदर्शित वस्तुओं, मतलब जैसे कोई आपका चिन्ह हो, कोई सिंबल हो, आइकन हो, अंकित और चुनने के लिए उपयोग किया जाता है। तो माउस का मेन काम ही है कि किसी आइकन, आइकन मतलब जैसे आप स्क्रीन पर देखते हो छोटे छोटे बहुत सारे आइकन बने, या आप कोई एप्लीकेशन खोलते हो उस एप्लीकेशन में छोटे छोटे ऑप्शन है, जैसे फॉन्ट साइज चेंज करना, कलर करने वाला छोटे छोटे ऑप्शन होता है, टूल बार होते हैं, उसी टूल बॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए बेसिकली माउस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ड्रॉइंग में अगर पेंट की बात करें तो वहां पर माउस का बहुत ज्यादा यूज है, लेकिन माउस भी तीन तरीके के होते हैं। तो पहले माउस के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। अगर आपने डेफिनेशन नोट किया है तो पहले आप डेफिनेशन नोट कर लें या फिर जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लें ताकि हम आगे की तरफ बढ़ लें। बहुत दो मिनट का जो है समय भी नहीं लगता है, छोटा सा एक लाइन का डेफिनेशन है, फटाक से इसको नोट करें। थर्टी वन लोग इस समय लाइव हैं। चलिए तो माउस के बारे में हम बात कर रहे थे, इसमें भी आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ माउस। टाइप्स ऑफ माउस हेडिंग डाल लेंगे।
टाइप्स ऑफ माउस। नंबर एक माउस जो है आपका ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। और नंबर जो दो है आपका मल्टीमीडिया माउस, और तीसरा है वायरलेस माउस। तीन तरीके के माउस होते हैं, ऑप्टिकल माउस, मल्टीमीडिया माउस, वायरलेस माउस। तो माउस के बारे माउस हम आपको दिखा देते हैं फटाफट। माउस लिखे तो चूहा ही आ गया है, कोई बात नहीं। इमेज पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, जो नॉर्मली आपका ऑप्टिकल माउस होता है वो इस तरीके का होता है आप जो यूज करते हो। और मल्टीमीडिया माउस में क्या होता है, 5 बटन होते हैं। यहां पे देखिए साइड में 2 बटन एक्स्ट्रा दिए हैं इसमें, क्लियर। और वायरलेस माउस का मतलब ये है, जैसे देखिए ये माउस आप देख रहे हैं, इसमें किसी भी तरीके की तार नहीं है, जिसमें तार ना हो वायरलेस माउस है। और जो ज्यादातर जगहों पे यूज होने वाला माउस आप देख रहे हो, वायर लगे होते हैं सिंगल से। 3 बटन होते हैं, एक राइट लेफ्ट और स्क्रॉल बटन, 3 बटन होते हैं इसमें। और मल्टीमीडिया में 5 बटन होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 बटन साइड में दिया हुआ है, एक राइट बटन, एक लेफ्ट बटन, और ये एक स्क्रॉल बटन होता है, स्क्रॉल बटन। अब बात आती है कि मल्टीमीडिया माउस का यूज हम क्या करेंगे। भाई माउस तो सारे माउस ही होते हैं, फिर इसमें डिफरेंस क्या रह गया। तो मल्टीमीडिया माउस की खासियत ये है कि आप एक ही माउस से 2 से 3 डिवाइस पे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपके पास एक लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है और एक टैबलेट है, और तीनों पे आप एक ही माउस से जो है कनेक्ट हो सकते हैं, और एक ही माउस से हम तीनों की स्क्रीन को मैनेज कर सकते हैं। ये है मल्टीमीडिया माउस की खासियत, बाकी और कुछ भी नहीं है। सेम आपका काम करेगा, जैसे आपका नॉर्मल 100 रुपए वाला माउस काम करता है, वैसे ही सेम 5000 रुपए वाले माउस मल्टीमीडिया वाले भी काम करते हैं, 700 रुपए वाले माउस भी सेम ही काम करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस मल्टीमीडिया माउस की इतनी डिफरेंस है कि वो जो है एक से अधिक डिवाइस पे कनेक्ट हो सकते हैं, जबकि नॉर्मल माउस जो है ऑप्टिकल माउस वो केवल एक टाइम में एक ही डिवाइस पे कनेक्ट हो पाएगा। तो माउस का डेफिनेशन आपने लिख लिया, टाइप्स ऑफ माउस आपने लिख लिया। इसी में एक चीज और बचा है, स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, लिखा है प्रिंटेड डेटा को सीधे कंप्यूटर में डालने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटेड डेटा, प्रिंटेड डेटा का मतलब यह है कि आपके पास मान लीजिए कोई डेटा है, अगर ये पहले से छप चुका है, प्रिंट हो चुका है, तो इस डेटा को हम दोबारा एक इमेज के रूप में कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, तो हम एक स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। या फिर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फोटो है जो पहले आपने कभी खिंचवाई होगी, आपके घर में रखी है, और उसी फोटो का मुझे 3 फोटो और चाहिए, और मान लीजिए वो व्यक्ति जिसका फोटो है वो बंदा नहीं है, तो उस फोटो को हम स्कैनर में लगा के, आजकल हर प्रिंटर में भी ऊपर जो आप ग्लास देखते हो वो एक तरीके का स्कैनर ही होता है, उसमें लगाने के बाद में स्कैनर से उस फोटो को स्कैन करके, और आजकल स्कैन मोबाइल से भी हो जाते हैं आसानी से, तो स्कैन करके उसका हम कई कॉपी बना सकते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के मदद से। तो स्कैनर भी हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, अगर जो लोग स्कैनर नहीं देखे हो, यहां पे हम स्कैनर टाइप करेंगे, स्कैनर इमेज,
देखिए इस तरीके का आपका ये स्कैनर होता है, और स्कैनर में ये देखिए फोटो रखी है, इस फोटो को फोटो हम बना सकते हैं, कंप्यूटर यानी प्रिंटेड डेटा जो पहले से छप चुका है, या आपका कोई घर का कागज हो, मार्कशीट हो, आप मान लीजिए घर से 300 किलोमीटर दूर बैठे हो और वहां पे आपको मार्कशीट की जरूरत पड़ गई और पता चला कि मार्कशीट आप लेके ओरिजिनल नहीं आए हो, तो ऐसे कंडीशन में आप उस मार्कशीट को स्कैन करके प्रॉपर पीडीएफ बना के या इमेज बना के उसको सेंड करवा सकते हो ईमेल या व्हाट्सएप के मदद से, और दूसरे जगहों पे आसानी से उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अब आप सोचोगे कि हम भाई मोबाइल फोन से भी उसको इस फोटो क्लिक करके मंगवा सकते हैं, बिल्कुल मंगवा सकते हो, बट उसकी प्रिंट क्वालिटी एकदम बेकार आएगी। अगर आप उसको प्रिंट आउट निकलवाओगे तो उतना अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी जितना अच्छी क्वालिटी आपका स्कैनर से स्कैन करने पर आएगा। इसलिए स्कैनर भी क्या है, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये जो पहले से प्रिंट मान लो किया हुआ था, अब इसको हमने दोबारा कंप्यूटर के अंदर इन किया, तो इसका मतलब इनपुट का हमने इस्तेमाल किया है, इसीलिए इसको भी इनपुट डिवाइस में इसका नाम जोड़ा गया है। तो स्कैनर का आप डेफिनेशन नोट कर लें, यहां पे स्कैनर का डेफिनेशन लिखा हुआ है, और या फिर इसको स्क्रीन कैप्चर करें। नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन लिखा, माइक्रोफोन का प्रयोग ध्वनि मतलब आवाज को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये सामने आप लाइव देख रहे हो, मैं पहले अपनी आवाज को अपने कंप्यूटर में डाल रहा हूं और कंप्यूटर आप लोगों तक पहुंचा रहा है। इस तरीके से हम लोग लाइव हैं, अगर हमारी आवाज भी नहीं पहुंच पाती अगर ये माइक्रोफोन ना होता तो। माइक्रोफोन कई तरीके का आते हैं, आजकल लोग जो सिंगर लोग माइक पकड़ के गाने वाले वो भी एक तरीके का माइक है, छोटा सा माइक यूट्यूबर्स लोग बनाते हैं, तरह तरह के माइक आते हैं, वायरलेस माइक भी आते हैं जो विदाउट तार से चलते हैं, बस वो डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। तो माइक आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, जब माइक का काम क्या है, आवाज को यानी ध्वनि मतलब आवाज को इनपुट करने के लिए। कोई जरूरी नहीं कि हम उसमें कोई स्पीच ही दें या कोई चीज पढ़ाएं, तभी हम कोई सॉन्ग लगा के भी अगर उसके सामने माइक लगा देंगे तो उसी आवाज को वो क्या कर लेगा, इन कर लेगा। कहां इन करेगा, कंप्यूटर के अंदर डाल देगा। अब उसको मर्जी करे किसी को भेज दें, सेंड कर दें, या खुद रिकॉर्ड करके रख ले बाद में सुन लेंगे, वो आपकी मर्जी है। बट माइक का काम क्या, माइक्रोफोन का काम आवाज को इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोफोन हेडिंग डाल के इसका जो है डेफिनेशन लिख ले, लिखा भी है, ए माइक्रोफोन इज यूज टू इंटर साउंड इन द कंप्यूटर। चाहे आप हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें। नेक्स्ट हेडिंग आपके रहेगी लाइट पेन। लाइट पेन हेडिंग डाल लें आप, फिर लाइट पेन के बारे में हम आपको पहले दिखाएंगे, उसके बाद लाइट पेन के बारे में आपको बताते हैं। तो आपने लाइट पेन हेडिंग डाल लिया होगा, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, पहले लाइट पेन के बारे में बताते हैं। लिखा, लाइट पेन का प्रयोग सीआरटी स्क्रीन पर लाइन व आकृतियां बनाने के लिए होता है। अब तो सीआरटी मॉनिटर चलता नहीं, जो टीवी के तरीके से स्क्रीन होती थी उस स्क्रीन पर कुछ लिखने के लिए एक डिजिटल तरीके का यूएसबी वाला लाइट पेन आता था, उसको कनेक्ट करके आप स्क्रीन पर कोई चीज लिख सकते हैं। जैसे कि इस समय मैं लाइव लिख रहा हूं, बट ये टच वाला पेन है, ये लाइट पेन नहीं है। इसी तरीके से लाइट पेन भी आता है जो स्क्रीन पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसके लिए इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप डीएल जब कभी भविष्य में बनवाएंगे तो लाइट पेन की मदद से ही आप वहां पर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लाइट पेन सर्च करके भी आपको पहले दिखा देता हूं। लाइट पेन लाइट पेन इन कंप्यूटर। यहाँ पे स्कैनर का इमेज सेलेक्ट हो गया है, फिर से लाइट पेन। लाइट
पेन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बंदा लाइट पेन से डायरेक्ट स्क्रीन पे कोई चीजें लिख रहा है। इस तरीके के लाइट पेन होते हैं। यहाँ पे देखिए ये यूएसबी केबल होती है, सीधा आपके कंप्यूटर पे कनेक्ट हो जाएगी और आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं लाइट पेन। तो लाइट पेन क्या है, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। आपको टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट लाइट पेन से स्क्रीन पे लिखिए, वो चीज सीधा कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर जाएगी। तो वही है आपका लाइट पेन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR आप लिख लें, लिखा हुआ है OCR से कागज पर लिखे हुए अल्फा न्यूमेरिक अक्षर नंबर को पढ़ने के लिए होता है। तो जैसे मान लीजिए ऑप्टिकल, मान लीजिए यहां पे हम कागज पर कोई चीज लिख दें, और बहुत सारे लोग की आपने किसी एडवोकेट की वकील वगैरह की राइटिंग देखा होगा, बड़ा आड़ा टेढ़ा सा लिखते हैं, जैसे कि बहुत खराब टाइप से लिख देते हैं कि पढ़ने में ही नहीं समझ में आ रहा है। तो और कुछ लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखते हैं जो वैसे भी आदमी नहीं समझ पाता है। तो ऐसे कंडीशन में OCR डिवाइस की मदद से हाथ से लिखे हुए या कागज पर पहले से लिखे हुए अक्षर को या नंबर्स को पढ़ने के लिए OCR डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका डेफिनेशन लिखें, उसके बाद में आपको हेडिंग डालना है BCR, मतलब होता है बार कोड रीडर। इसको मैं आपको बाय गूगल पे दिखा देता हूं बार कोड रीडर है क्या। उससे पहले आप पहले इसका दोनों का डेफिनेशन लिख लें। देखिए बार कोड के बारे में लिखा हुआ है, बार कोड रीडर का प्रयोग उत्पादों मतलब होता है जो भी सामान वगैरह आप खरीदते हैं, उत्पादों पर बने हुए बार जो कि एक प्रकार का कोड होता है, उसे पढ़ने के लिए होता है। क्लियर। तो चलिए हम पहले OCR भी देख लेते हैं और साथ में हम BCR भी देख लेते हैं। तो OCR यहां पे सिलेक्शन में आएंगे और यहां से हम OCR टाइप कर दे रहे हैं। OCR डिवाइस, देखिए OCR डिवाइस आपके सामने जो है पूरे तरीके से आ चुकी है। तो एक मिनट में यहां से कंप्यूटर ले लेता हूं पहले। देखिए यहां से देखिए ये आप डिवाइस देख पा रहे होंगे और यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये OCR डिवाइस है जो USB केबल से आपके कंप्यूटर पर कनेक्ट होती है। और आप कोई भी कागज ले लीजिए, कोई भी मैटर उस पर लिख दीजिए और उस पर आप इस डिवाइस को इसे चलाएंगे तो क्या करेगा, ये डिवाइस इसको सीधा सीधा रीड कर लेगा। देखिए यहां पे भी दिखाया गया, ये देखिए OCR डिवाइस किस तरीके के एक्सटेंड के तरीके से लगा है, पूरा बुक पढ़ लेगा। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बैठ के पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, आप बुक को इसके नीचे रख दीजिए, उसके बाद में कंप्यूटर उसको खुद ब खुद रीड करता जाएगा, पढ़ता जाएगा। और अब मर्जी करे तो आप कॉपी वाला ऑप्शन लगा दें, जो भी पढ़ेगा उसको कॉपी कर लेगा और उसको MS Word, Excel, PowerPoint जहां भी मर्जी करे आप उसको पेस्ट कर लें। OCR बहुत ही अच्छा डिवाइस है। यह भी एक तरीके का क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि देखिए डेटा क्या कर रहा है, इन कर रहा है। कहां इन कर रहा है, सीधा आपके कंप्यूटर में लेके जाके वो पेस्ट कर रहा है हाथ से लिखे हुए। देखिए आजकल स्कैनर आपने देखा होगा ना, स्कैनर से लोग स्कैन करके PDF बना लेते हैं, वो अलग चीज है, बट हाथ से लिखे हुए अक्षर को OCR की मदद से हम रीड कर सकते हैं। BCR के बारे में देख लेते हैं। बार कोड रीडर इमेज, अब आपने बहुत सारे प्रोडक्ट पे देखा होगा कि पीछे इस तरीके के स्टिकर एक छपे होते हैं, चाहे वो बुक ले लें या कोई सामान खरीद लें, उसके पीछे एक बार कोड चिपकाया रहता है, उसी कोड को बोलते हैं बार कोड, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, कोड होता है। उसी कोड को पढ़ने के लिए जो है बार कोड रीडर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है बार कोड आपने बहुत जगह पे देखे होगी, पोस्ट ऑफिस में देखा होगा, शॉपिंग मॉल में देखा होगा, जब भी आप सामान खरीदते हैं वो क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को उठाता है और स्कैन कर लेता है।
इसी की मदद से स्कैन करता है, जिससे कि प्रोडक्ट में छपी हुई डिटेल जो है उसे कंप्यूटर में स्कैन होके आ जाती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि आपने क्या चीज परचेस किया, उसका रेट क्या है। कंप्यूटर में ऑटोमेटिक पहले से उसकी रेट वगैरह फीडिंग होती है, बस खाली इसी बार कोड में उसकी कोड एक छुपी होती है, उसी की मदद से स्कैन करके उसका वो ऑटोमेटिक बिल बना देता है, जिससे क्या होता है काम करना बहुत आसान हो गया। पहले लोग क्या करते थे, अगर हम किसी राशन की दुकान पे जाते थे, अगर 10 टाइप का कोई सामान खरीद लिया तो पूरी लिस्ट बनाता था, लिखता था, फिर 4 बार उसको ऐड करता था, तब जाके आंसर बताता भैया इतना पैसा हुआ। उसके बाद में उसको हम लोग फिर जोड़ते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इसने गलत जोड़ दिया हो या ज्यादा जोड़ दिया, तो फिर जोड़ेंगे, फिर पता चले कि हिसाब गड़बड़ हो गया, भैया यहाँ पे आ रहा 615 रुपया, आपने 780 रुपया जोड़ दिया, तो फिर उसको दोबारा मिलाएगा, तो ऐसे में बहुत समय लगेगा। प्लस उसके अलावा वो एक एक प्रोडक्ट का नाम लिखेगा, आपने क्या खरीदा, क्या क्या लिया, उसका क्या रेट है, कितनी क्वांटिटी में लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई करें, बहुत ज्यादा झंझट करने का काम हो जाता है। तो इन सब काम को आसान करने के लिए BCR को डिवाइस बनाई गई है, जिससे क्या करते हैं प्रोडक्ट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इन कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट सेल हो चुका है। तो बारकोड रीडर आपने देख लिया, मैं उम्मीद करता हूं ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बारकोड रीडर क्लियर। बारकोड के बारे में आपने अगर नहीं लिखा है तो OCR और बारकोड रीडर एक साथ में दिया हुआ है, आप इसको कैप्चर कर लें। एक्चुअली इन सब चीजों का इमेज मैं पहले से सेट करके रखा था, बस लास्ट टाइम क्या हुआ, पेन ड्राइव का डेटा थोड़ा सा लॉस हो गया सिस्टम में कुछ वायरस होने की वजह से, तो मुझे मजबूरी में पुरानी फाइल फिर से कॉपी करके लानी पड़ी, जिसके वजह से इमेजेस यहां से डिलीट हो चुकी है। इस वजह से मजबूरी में मुझे गूगल से दिखाना पड़ रहा है, वरना मैं यहीं पे इमेज पहले से सेट करके रखा था, हर स्लाइड के बाद में उसकी इमेज लगी हुई थी। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश रहेगी कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए, जिससे कि बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोग का लॉस हो जा रहा है, और एक आधे घंटे की लाइव सेशन बताए थे, आधे घंटे लगभग होने वाले, हमारा टॉपिक भी लगभग लास्ट में पहुंच चुका है कवर होने वाला, आप बोर मत होइएगा, थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा ही सही। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट। इनपुट डिवाइस में लास्ट ऑप्शन है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो आप सब लोग लाइव देख ही रहे हैं कि टच का क्या मतलब होता है, आजकल सबके पास टच स्क्रीन वाला फोन है, यानी हम टच करके जिसको आदेश दे दें। आजकल लैपटॉप भी टच स्क्रीन वाले आ रहे हैं, कंप्यूटर भी टच स्क्रीन वाले आ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड तो टच स्क्रीन है ही, आपका मोबाइल फोन तो टच स्क्रीन है, धीरे धीरे सब कुछ टच स्क्रीन के जैसे होते जा रही, लेकिन टच स्क्रीन आम स्क्रीन की तरह होती, आम आम मतलब महंगो वाला आम नहीं, आम मतलब ये खास वाला आम, मतलब जो टच है जिसपे टच करके कुछ खास चीजें हो सके उसी को आम बोलते हैं, वो आम महंगो में समझ जाइएगा। तो टच स्क्रीन आम स्क्रीन की तरह होता है, परंतु इन्हें छूकर हम निर्देश व डेटा इनपुट कर सकते हैं, मतलब निर्देश मतलब इंट्रैक्शन, हम कंप्यूटर को चाहे लैपटॉप को चाहे इस डिजिटल बोर्ड को या अपने मोबाइल को अगर कोई आदेश देना होता है तो हम क्या करते हैं उसको पहले टच करते हैं, तो टच करते हुए क्या करता है उसको इनपुट मान के कंप्यूटर को बता देता है, अपने मोबाइल फोन को बता देता है, उसके हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग होती है। चलिए टच स्क्रीन आपका क्लियर हो गया। अगली हेडिंग हम हेडिंग डालेंगे टच स्क्रीन, जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो पहले तो इसको स्क्रीनशॉट कर लें ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम जो हो चुका है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप कर लें। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस, अगली हेडिंग डालें आउटपुट डिवाइस, बहुत फास्ट फास्ट करें आप लोग, रफ कॉपी में लिखा करें, क्योंकि इस डिजिटल बोर्ड पे लाइव पढ़ाने समय जो है कोई राइटिंग बैठा के नहीं लिख पाएगा, ना ही इतना किसी के पास टाइम है, कैमरे के सामने जो है खड़े होके हम इतना ज्यादा वेट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइव सेशन को बाद में बहुत सारे लोग देखते हैं। तो आउटपुट डिवाइस हेडिंग डालिए, लिखा हुआ है डेटा को प्रोसेस करने के बाद, आप लिखते भी चले, यूजर तक पहुंचाने के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण आउटपुट डिवाइस कहलाता है। उपकरण का मतलब होता है डिवाइस, वही चीज इंग्लिश में लिखा है, डिवाइस दैट आर यूज्ड टू गिव द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग टू द यूजर आर कॉल्ड आउटपुट। एग्जांपल में दिया है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, प्लॉटर, ETC। ऐसे कई सारे डिवाइस हैं, जैसे मैंने बताया था जब हम इनपुट करते हैं तो हमें आउटपुट भी चाहिए, अगर हम इनपुट करते जाए आउटपुट आपको मिले ही ना, हम यहां से पढ़ाते जाए आपको आउटपुट में इसका डिस्प्ले दिखे ही नहीं या साउंड आपको सुनाई ना दे, तो हमारा ये लाइव करना है, हमारा जो ये इनपुट करना है सब कुछ बेकार हो जाएगा।
तो जो चीज हम इनपुट करते हैं उसका हमें आउटपुट चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर में मान लीजिए 50 और 50 को ऐड करना है, आपने लिखा 50 और एंटर के फिर 50, तो आंसर में आपको 100 आना ही आना चाहिए, वो भी रिजल्ट। तो आउटपुट दिखाने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर सबसे मेन आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट का पहले डेफिनेशन लिखें, फिर टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस की तरफ हम बढ़ते हैं। फटाफट लिखें और इसको कैप्चर करें। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मॉनिटर देखिए लिखा है कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। देखो मॉनिटर जो एक टेलीविजन की तरह होता है और इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू भी कहते हैं। तो मॉनिटर आपके सामने, ये डिस्प्ले एक तरीके का मॉनिटर है आपके सामने, जो कंप्यूटर के सामने जो स्क्रीन होती है वो ये आपका मॉनिटर है। तो मॉनिटर क्या है, जैसे कि इनपुट डिवाइस में सबसे मेन इनपुट डिवाइस क्या था, कीबोर्ड, ऐसे आउटपुट डिवाइस में सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर। अगर मॉनिटर नहीं होगा तो आप जितना भी इनपुट करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट दिखाने के लिए कोई विशेष डिवाइस नहीं होगी, तो आप उसका आउटपुट आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सबसे मेन तो क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर के बाद भी कई सारे डिवाइसेस हैं जिनके मदद से हम आउटपुट देख सकते हैं या सुन सकते हैं, तो मेन है मॉनिटर। अब मॉनिटर के अगर टाइप्स देखें तो यहां पर आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मॉनिटर। तो मॉनिटर बेसिकली चार प्रकार के होते हैं, सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, जो टीवी के आकार में होता था, जो पहले जमाने में टीवी चलती थी बड़ी वाली उसको बोलते थे सीआरटी मॉनिटर। उसके बाद में एलसीडी, एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी जो है आज के जमाने में क्या होता है, एलसीडी बना दी गई, जैसे आप ये डिस्प्ले देख रहे हैं बहुत ही कम जगह में पतली सी डिस्प्ले लगी हुई है, इसी तरीके से आजकल आपके मॉनिटर भी आ रहे हैं पतले से, उसको बोलते हैं एलसीडी। और एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एलईडी का मतलब यह है कि वो मॉनिटर जो बहुत ही ज्यादा पतला हो, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, उसको बोलते हैं एलईडी। और एक मॉनिटर और आ गया सेम एज एलईडी के तरीके से, ओएलईडी, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसका टाइप्स ऑफ मॉनिटर है, मॉनिटर का डेफिनेशन है, आप इसको कैप्चर करके लिख लें फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। आप देखिए दूसरा आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। अगर आपने कोई चीज इनपुट किया, इनपुट में मतलब कि आपने कोई मैटर टाइप किया, इन तो हो गया, लेकिन उसको आउटपुट में हम चाहते हैं कि वो निकल के बाहर आ जाए, तो हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहां पे लिखा है प्रिंटर का प्रयोग कागज पर आउटपुट देने के लिए होता है। तो मेन काम क्या है, कागज के ऊपर क्या करता है, प्रिंट करके निकाल देगा, यानी जो भी चीज आप टाइप करो उसको आउटपुट, आउट मतलब होता है बाहर, जो भी चीज बाहर की तरफ निकले, चाहे वो स्क्रीन के थ्रू निकले या जो है किसी फोकस के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू निकले, प्रिंटर से छप के निकले या डिस्प्ले पे मॉनिटर पे खाली जो है उसका आंसर शो करे, तो ये सब आउट हो रहे हैं। आपने डॉक्टर के यहाँ, आप बहुत सारे डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर के डोर पे हमेशा देखा होगा एक इन वाला स्लाइड लगा होता है, एक आउट वाला लगा होता है। जब डॉक्टर अंदर रहता है तो देखा होगा आप इन शो करता रहता है, और जब वो डॉक्टर अंदर ऑफिस में नहीं होता है तो वो उसको स्लाइडर को खिसका देता है, फिर बाहर लिखा रहेगा आउट। इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर अंदर नहीं है, डॉक्टर बाहर की तरफ है, आप डॉक्टर के ऑफिस में ना जाए। तो इसी तरीके से आउट का मतलब बाहर, इन का मतलब अंदर। तो प्रिंटर हेडिंग डाल के प्रिंटर का डेफिनेशन आप नोट करें। नेक्स्ट है आपका प्लॉटर। बस हम लास्ट में चल रहे हैं फटाफट, पांच मिनट का और क्लास रहेगा ये। प्लॉटर क्या है, लिखा प्लॉटर सटीक और अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और चित्र छापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ये इंक पेन या इंक जेट की मदद से काम करते हैं। प्लॉटर आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर ग्राफिक्स जो छपते हैं, वो एक प्लॉटर क्या है, प्रिंटर की तरीके से एक मशीन होती है, बट वो बड़ी मशीन होती है जिसमें 10 फुट 12 फुट 15 फुट आपने बड़े बड़े फ्लेक्स बोर्ड होर्डिंग बोर्ड देखा होगा, उसकी जो छपाई होती है वो हम प्लॉटर की मदद से करते हैं, क्योंकि प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर और प्लॉटर दोनों का आप स्क्रीनशॉट करें, या अगर आप लिख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट कर लें। नेक्स्ट स्पीकर,
स्पीकर सबको पता है, अगर हम माइक से कोई चीज बोल रहे हेलो हेलो वन टू थ्री हेलो, तो ये आउटपुट अगर ये कंप्यूटर में इन हो रहा है तो उसको सुनने के लिए हमें एक स्पीकर आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है। इसलिए स्पीकर का एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर ध्वनि को आउटपुट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा शॉर्टकट छोटा सा डेफिनेशन लिखा और सब लोग समझ ही गए होंगे कि स्पीकर से क्या होता है, आवाज बाहर निकलती है, इसलिए आउटपुट ये बाहर की तरफ जो भी चीज निकले वो आउट होता है, इसलिए उसको आउटपुट डिवाइस कहा गया। लास्ट है प्रोजेक्टर, इस लाइव सेशन का लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्टर। उसके इसको खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके बाद में मैं आपको मेमोरी टॉपिक पर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेमोरी टोटल कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी मेमोरी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, कैसे कैसे मेमोरी बनती, सब कुछ मेमोरी के बारे में नेक्स्ट लाइव सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए प्रोजेक्टर के बारे में समझते हैं। प्रोजेक्टर आप हेडिंग डालें, लिखा है प्रोजेक्टर, कंप्यूटर प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो बड़े स्क्रीन पर आउटपुट देने का कार्य करता है। जब डिजिटल बोर्ड का जमाना नहीं था तो लोग प्रोजेक्टर का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। आज भी आप प्रोजेक्टर देखेंगे गांव में जो शादी वगैरह होती है तो वहां पे वीडियो पर्दा के नाम से मशहूर है, वीडियो पर्दा लगाते हैं, वहां पे पर्दे पे बड़ी सी स्क्रीन पे पिक्चर वगैरह दिखाए जाते हैं, कोई मूवी वूवी चालू कर दी जाती है, जहां पे लोगों का टाइम पास मनोरंजन के लिए कर दिया था कि लोग टाइम पास करें। तो वही आपका प्रोजेक्टर, यानी जो भी आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, कंप्यूटर आपकी छोटी स्क्रीन है, लेकिन अगर आप उसी स्क्रीन को बहुत बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं तो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बड़े पर्दों पर उस वीडियो को आउटपुट के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आपको मैं एक गूगल फॉर्म भेजूंगा जिसपे आपको फीडबैक अपना भर के हमें सबमिट करना होगा, और फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में हम बात करेंगे मेमोरी के और सीपीयू के बारे में। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।